दिल्ली में इस वक्त चुनावी माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। ऐसे में गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कन्हैया कुमार के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार अपने रोड शो में गुंडों को लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार के रोड शो को देखकर टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार का दौर जोरों पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लड़ाई कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी है। इसी को लेकर समर्थकों के बीच भी झड़प की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी का है। गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार रोड शो रैली निकाल रहे थे। जैसे ही कन्हैया कुमार की रैली नंद नगरी में पहुंची, नंद नगरी में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कन्हैया कुमार के समर्थकों के बीच झड़प होना शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार की रैली को देखकर टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाना शुरू कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कन्हैया कुमार के समर्थकों के बीच धीरे धीरे करके झड़प बढ़नी शुरू हो गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शान मोहम्मद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नंद नगरी के स्थानीय निवासियों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और वहाँ के आम नागरिकों का। मैं समय वहां मौजूद हूं जो लगातार चर्चाओं में सीट है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट। यहां से दो बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जनता के बीच उतारा है। दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी इसी सीट से उम्मीदवार है और लगातार रैली और रोड शो नंद नगरी से कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ से कन्हैया कुमार का रोड शो निकला, जहाँ पर नंद नगरी के निवासी तमाम लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है कि ये कन्हैया की जो यहाँ से रोड शो जो रैली निकली थी, उसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ तक के साथ साथ अगर बात करें यहाँ के लोगों से भी बदतमीजी कर रहे थे। ये उनका रोड शो नहीं था बल्कि एक जीती जागती गुंडागर्दी थी। मैं तमाम जानकारी के लिए बात करना चाहूंगा, यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संजीव मित्तल है और मैं भाजपा का जिले का युवा मोर्चे का प्रभारी हूँ। पूर्व मंडल रामनगर से पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मित्तल जी, यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया ने रैली निकाली है, तो कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं कि उनके साथ जो कुछ लोग मौजूद थे, क्या रोड शो था, पूरा मामला बताइए क्या हुआ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी कन्हैया कुमार, जिसको मैं नाम भी लेने में मुझे शर्म आती है, नाम तो भगवान का ले रखा है, मैं कहूँगा टुकड़े टुकड़े गैंग, कि अभी जो यहाँ से रैली निकली उसके अंदर नंद नगरी के लोकल जो स्थानीय निवासी थे वो नाके बराबर थे। बाकी सारे तमाम लोग उसके अंदर उनके साथ जो गुंडे आए हुए थे वो बताते हैं कि जामिया के गुंडे थे, कुछ कॉलेजों के गुंडे थे, वो लोग यहाँ से निकलते हुए उल्टी सीधी नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। हम लोग भी पब्लिक के साथ में खड़े हुए थे। जब हमारे साथ में रैली आई तो उसने जो पूर्व के अंदर जो देश के प्रति विरोध में जो बयान दिए थे, सेना के प्रति जो विरोध में बयान दिए थे कि सेना जो है बलात्कार करती है और भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो नारे हमारे जहन में आए, हमने उसका विरोध किया, हमने नारे लगाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग वापस जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से अलग खड़े हुए थे और अलग खड़े होकर हम नारे लगा रहे थे। जब भी उनके जो जामिया के गुंडे, जो कॉलेज के गुंडे आए हुए थे, उन्होंने हमारे को अभद्र भाषा में गाली बकनी स्टार्ट कर दी और हमारे साथ हाथापाई स्टार्ट कर दी। तो जो साथ में जो बीट ऑफिसर और जो पुलिस के साथ उनके साथ थे, उन्होंने उसके बीच में चाप कराया और बहुत मुश्किल उन लोगों को वहां से निकाल के लेके गए और हम लोगों के साथ उन्होंने पथराव भी किया और हम लोगों को मावियां की गालियां भी बकी और हमारे साथ हाथापाई भी की। मित्तल जी, प्रत्याशी का काम होता है उसे चाहे किसी भी पार्टी ने जनता के बीच उतारा हो, वह एक जनता से निवेदन करना होता है कि हमारी पार्टी को जीतो, हमें वोट दो। लेकिन जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, ये सही है या गलत, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, प्रत्याशी हमारे सामने और भी आए और हम लोगों ने पहले भी कई बार विरोध किया, लेकिन जो भी प्रत्याशी था उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने हमारा विरोध भी स्वीकार किया और जिन्होंने उनका समर्थन किया उसको भी स्वीकार किया। लेकिन ये प्रत्याशी जो है, हमें एक अनोखा प्रत्याशी मिला है और हम क्या इससे, इनके खुद के जो इनकी पार्टी के लोग हैं वही परेशान है, वही पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो पृष्ठभूमि है उन सबको पता है कि इसके आने से इनकी कांग्रेस पार्टी खुद खतरे में पड़ गई है। तो उनकी मजबूरी है, जो यहाँ से इनको लोग मिले नहीं तो ये बाहर से गुंडे लेकर आए,
दो बार के सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें आप लोगों के बीच उतारा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नंद नगरी, यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे तो एक नारा भी लगातार चल रहा था कि यहाँ से हम रैली कन्हैया कुमार की निकलने नहीं देंगे, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको प्रदर्शन करने की आजादी है, सबको विरोध करने की आजादी है और सबको अपने समर्थन के अंदर वोट मांगने की भी आजादी है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम निकलने नहीं देंगे, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है और ऐसी कोई बात नहीं। मित्र जी, बात करें मोदी जी की गारंटी, तो क्या क्या गारंटी इस बार लेकर आए मोदी जी? देखिए मोदी जी गारंटी है, मोदी जी ने जो पहले गारंटी दी थी, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम 370 हटाएंगे, उन्होंने 370 हटाए, उन्होंने मोदी जी ने कहा हम राम मंदिर को बनाएंगे, उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने कहा हम तीन तलाक का कानून खत्म करेंगे, उन्होंने तीन तलाक का कानून खत्म करा, उन्होंने कहा हम लोगों को मुफ्त भोजन देंगे, उन्होंने मुफ्त भोजन दिया। तो मोदी जी की जो भी गारंटी है, मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी उन्होंने पूरी की और जनता को मोदी जी गारंटी के ऊपर पूरा विश्वास है। गठबंधन कह रहा है वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। देखिए अब तक उन्होंने क्या किया, पब्लिक जनता ये देख रही है, वो वादे कर रहे हैं और एक वादे को पूरा कर रहा है, वो कह रहा है हम देंगे और हम दे रहे हैं, तो जनता इस चीज को जब समझती है कि कौन क्या दे रहा है। उन्होंने पहले भी वादा किया था हिमाचल के अंदर ही हम जीतने के बाद 1500 रुपए महीने महिलाओं को देंगे, वो आज तक नहीं दिए। 400 पार का जो नारा है क्या वो पूरा हो पाएगा? निश्चित तौर पे 400 का नारा पूरा होगा, क्योंकि भारत की जनता को मोदी की गारंटी में पूरा विश्वास है और ये मोदी की गारंटी है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। क्या नाम आपका नाम जानना चाहूंगा? नाम सिंपल गर्ग है। गर्ग जी, अभी यहाँ से कुछ देर पहले ही कन्हैया जी की रैली निकली थी, उसमें क्या मामला है पूरी तरीके से? यहाँ पे हम सब स्थानीय लोग खड़े हुए थे, हमें लगा कि एक टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर हमारे बीच आ रहा, हम इसका विरोध करेंगे, हमने इसके खिलाफ कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य वापस जाओ, लेकिन उन्होंने पथराव, बदतमीजी, माँ बहन की गालियां और कुछ हमारे कार्यकर्ता घायल भी हो गए इसके अंदर, उन्होंने मारपीट करी। वो यहाँ के स्थानीय कोई लोग नहीं था, क्योंकि मैं लोकल का रहने वाला हूँ, मैं सभी को जानता हूँ, वो बाहर से बदमाश लाए हुए थे, लोकल का कोई नहीं था उनके साथ, वो बौखला चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की एक पुकार के बाद कांग्रेस बिल्कुल पूर्ण रूप से हार मान चुकी है यहाँ से। रोड शो का विरोध आपने किया था, फिर उसके बाद शुरुआत वहाँ से की गई? रोड शो का विरोध नहीं था, हमने यही एक विरोध कर रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग वापस जाओ, हम शांतिपूर्वक एक साइड में खड़े हुए थे, लेकिन हमारे पे हाथापाई करी गई, माँ बहन की गालियां दी गई, आज से पहले ऐसा कभी माहौल नहीं देखा हमने। ये यहाँ के स्थानीय नहीं, बाहर से बुलावा, ये पैसे के गुंडे थे वहाँ पे मौजूद। देखिए यहाँ पर भी कुछ समय पहले ही, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ देर पहले यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने जो रैली निकाली थी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने इस बात का जब विरोध किया, जैसे एक लगातार चर्चाओं में एक मामला चल रहा है, बात चल रही है टुकड़े टुकड़े गैंग वापस जाओ, इस बात का विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके साथ जो कुछ लोग थे वो जामिया के बताए जा रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, हाथ के मारपीट पर उतारू हो गए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपको? अमित चौहान। क्या हुआ था? हम सारे खड़े हुए थे साइड में गली में अपने आराम से खड़े हुए थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे टुकड़े टुकड़े गए वापिस जाओ, वो हाथापाई पे उतर गया है, इस भाई को मारा ही पकड़ के, इसकी गले में पकड़े फेंक फेंक के मार रहे थे, वो चले जान से मार देंगे, गाली पकड़े, लड़के भी लंबे लंबे थे, बाहर के लड़के थे, यहाँ के तो थे नहीं, सबको जानता हूँ मैं, वो लड़के बाहर गए थे, यहाँ के लड़का कोई नहीं था, उन्होंने हाथापाई करी, गालियां बगी, गंदी गंदी, सबको मारने पर राजी हो गए वो। रैली निकालने तो चुपचाप निकालने देते, क्या हुआ? साइड में खड़े हुए थे, बिल्कुल साइड में, हम तो बीच में भी नहीं खड़े थे, हम साइड में खड़े हुए थे, और हम तो बोले बोला टुकड़े टुकड़े गैंग बाबू जाओ, ये बोला है, इतने पुलिस नहीं होती तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती। क्या नाम है भाई आपको? मेरा नाम अवधेश कुमार है। क्या हुआ था रैली में? रैली था, हम यहीं पे खड़े थे, बस टुकड़े टुकड़े का विरोध था, ये वापिस जाओ इतना कह ही रहे थे, वो यहाँ से जा रहे थे लड़के, उसके अंदर मैं सकल से तुरंत बता दूंगा, अभी मैं उसने तुरंत आते ही तो गाली देना चालू कर दिया, वो विरोध कर रहे थे, ऊपर मेरा आया, मेरे को उन्होंने दोनों वो धमकी भी दे रहे थे, क्या कहता मैं बाद में तेरे को बाद में भी देखूंगा, मैं नहीं जानता वो कौन था, मेरे को काफी धमकी भी दे रहा था, कह रहे हम बहुत दूर के आए हुए हैं, सब यहीं पर गांड मार देंगे या कुछ भी, गाली फाली उन्होंने करी है, जो बात है जो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने खूब गाली करी, मारा भी था, एक लड़का और था, और हम वहां पे भी खड़े थे, हम वहां पे भी कुछ हम यहीं से देख रहे थे, एक लड़के ने बीजेपी का पलटा पहन रखा था, उसको मार के भगा दिया वहां से, बताओ ऐसे कर रैली निकाल के ये ऐसे जीतेंगे? कभी नहीं, मतलब ही नहीं बनता।
मोदी के सिवा कोई नहीं जीतेगा, चाहे ये कैसे भी कुछ भी कर ले। रमेश भाटी, क्या हुआ था? रैली निकली थी, रैली निकली थी, मैं तो वहाँ से इधर को निकल गया था, इसके बाद तो मुझे पता नहीं, अभी यहाँ आया तो सुना था यहाँ कहानी कुछ हो रही है। मीना कुमार की रैली निकली थी, यहाँ पर एक नारा भी दिया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग वापस जाओ। वहीं दूसरी तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ लोग उनके साथ मौजूद थे, कन्हैया कुमार के साथ, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की या बदसलूकी की। जिस टाइम बदतमीजी हुई थी और बातचीत हो रही थी, उस टाइम मैं उधर था, बाद में आया मैं इधर को, जब आया जब पता लगा कि मतलब बदतमीजी हो रही थी, ये बात क्या हो गया? क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है। पंकज, क्या हुआ था? अभी कुछ देर पहले रैली निकली थी, यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार आए थे, क्या हुआ था? हम एक्चुअली साइड में खड़े हुए थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टुकड़े गैंग वापस जाओ, वापस जाओ। इसी बात पे उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी और मारपीट चालू कर दी थी, बहुत गंदी गंदी गाली दी उन्होंने। फिर उसके बाद उसमें मारपीट चालू कर दी थी उन्होंने, फिर उसके बाद पुलिस वाले उन्होंने बचाया हमको। देखिए कहीं ना कहीं एक ये मामला अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार जो कन्हैया कुमार हैं, यहाँ से उन्होंने रैली निकाली थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने जब इस बात का विरोध किया कन्हैया कुमार की रैली से, कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वापस जाओ, तब जाके उन जो कन्हैया कुमार के साथ बताए जा रहे हैं लोग, तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है, यहाँ पर कुछ लोगों को अभी यहाँ पर कहना है कि जो कन्हैया कुमार के साथ जो रैली के अंदर कुछ लोग जो शामिल थे, उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की और हाथापाई लगातार करने की कोशिश की। दिल्ली से शान मोहम्मद।